ओके, सो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इसमें डायमेंशन एनालिसिस में चौथा एप्लीकेशन करेंगे। हमने चार एप्लीकेशन आप लोगों को लिखाया था, कितने एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, किसी फिजिकल रिलेशन को, कोई फार्मूला को चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो वो पहला। दूसरा एप्लीकेशन था कि सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन, सीजे सिस्टम में सीजे सिस्टम को एसआई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसआई सिस्टम से सीजे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीसरा था ड्राइव रिलेशन, ड्राइव फॉर्मूला, पिछला लेक्चर जो किया था मैंने उसमें रिलेशन ड्राइव किया था, बहुत पूरा डिटेल से है ना, बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। आज चौथा एप्लीकेशन, वैसे एनसीईआरटी में केवल तीन एप्लीकेशन मेन है भाई जो तीन बताया मैंने, लेकिन चौथा एप्लीकेशन है कि टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डायमेंशन कॉन्स्टेंट, मैंने ऐसे कॉन्स्टेंट जिनका डायमेंशन होता है। अब सुनो, फिजिक्स में कॉन्स्टेंट दो तरह का होता है, पहले रिलैक्स होकर समझो, पहले आराम से, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं अभी, ओके। फिजिक्स में दो तरह का कॉन्स्टेंट होता है, क्या तरह का होता है, दिख रहा है बाबू मोबाइल में? एक होता है विथ डायमेंशन, कॉन्स्टेंट विथ डायमेंशन, बोलो बोलो ना जोर से, एक होता है कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन, विदाउट, दिख रहा है, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन। दो तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन। अब प्योर नंबर जो होता है ना, प्योर नंबर, सुनो, प्योर नंबर हैज नो यूनिट, दैट्स व्हाई प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन। प्योर नंबर जैसे मैं बोलूंगा बताओ पाई का यूनिट बताओ कितना होगा, पाई का, पाई प्योर नंबर है, अरे पाई नंबर है ना, अरे पाई जो मैंने लिखा पाई, ये पाई, पाई यहाँ देखो, यहाँ पाई माना था ना, पाई 3.14 या 22 ऐसा बना अप्रॉक्सिमेटली जो लेते हैं, तो वो प्योर नंबर है, इरेशनल नंबर है ये, ओके। तो पाई एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट तो कोई डायमेंशन भी, देखो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना जिनकी यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, क्या बोला मैंने, जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं उनका डायमेंशन नहीं, लेकिन जिनका डायमेंशन नहीं उनका यूनिट नहीं, ये बात 100% सही नहीं है, सत्य नहीं है, क्या बोले समझाया, जिनका यूनिट नहीं उनका डायमेंशन नहीं, जिनका यूनिट है उनका डायमेंशन है, क्या भेजा में गया बात, बट जिनका डायमेंशन नहीं उसका यूनिट नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एंगल, ऐसे भी याद रखो, मैं 100 बात की एक बात बोलता हूँ, जिनका यूनिट नहीं उनका डायमेंशन नहीं, जिनका डायमेंशन नहीं उसका यूनिट नहीं, जिनका डायमेंशन नहीं उसका यूनिट नहीं, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, इसको 3-4 बार बोलो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है कि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिनका यूनिट बनाया गया है जबकि वो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, उनका कोई डायमेंशन, एंगल जैसे रेडियन याद है ना, एंगल की यूनिट क्या होती है डायमेंशन, सॉरी यूनिट क्या होती है रेडियन, बट उसका कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, एल बी सेंटीमीटर में, आर बी सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर में, क्या समझे आपको, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट जब बनाया गया रेडियन डिफाइन किया गया, तो एंगल ही एक ऐसा क्वांटिटी है जिनका यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं, बाकी तुमको जितने भी क्वांटिटी तुमको मिल गए जिनका डायमेंशन है उसका यूनिट नहीं, जिनका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन है, जिसका डायमेंशन उसका यूनिट नहीं, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन, ऐसे याद रखना, ठीक है, धड़ देना। लेकिन भाई इसलिए एक बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट, ओके, इंप्लाइज दैट हैज अ डायमेंशन, सही बात है, यूनिट है तो डायमेंशन है, ट्रू और फॉल्स पूछता है, बट अ फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, दैट मींस नो यूनिट, क्या ट्रू की फॉल्स, फॉल्स कि डायमेंशन नहीं है, यूनिट हो भी सकता है एंगल, क्या भेजा में गया, भेजा में जाया, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, नीट में पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। तो याद ना, फिजिक्स के नजरिए से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह का कॉन्स्टेंट होता है, क्या तरह का कॉन्स्टेंट होता है, दो तरह का कॉन्स्टेंट होता है, इवन वेरिएबल भी दो तरह का होता है, विथ वेरिएबल, सर विथ डायमेंशन, वेरिएबल विथ डायमेंशन, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, अरे अपवर्तनांक सी बाय भी, तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्या भैया में क्या, तो एक ऐसा वेरिएबल तुम बोल सकते हो कि दो तरह का वेरिएबल बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट भी, लेकिन हम लोग जनरली अभी कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन विदाउट डायमेंशन। तो बताओ विद डायमेंशन में कौन कौन है, बताओ जी, कौन बोलो, जी फॉर गधा, हाँ बोल दिया कोई गधा, जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है ना, ये फॉर्मूला है, हम लोग 11 में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो। उसके बाद केक, इसको बोलते हैं कूलम कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं इसको,
जोर से बोलो, ये ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री में उस दिन मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, तुम लोग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। और के उसके बाद एच, प्लैंक कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये ऐसे कांस्टेंट है फिजिक्स में, कांस्टेंट है बट ये ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन है। क्यों डायमेंशन है? क्योंकि इनका यूनिट है, इनका यूनिट है इसलिए इनका डायमेंशन है। क्या भेजा मैं क्या? बट विदाउट डायमेंशन कौन होगा? जैसे प्योर नंबर, जैसे पाई, पाई हैज नो डायमेंशन, नो यूनिट। ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है 2.71, तो ये भी, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे पाँच, कोई डायमेंशन नहीं। माइनस दस, ये कोई डायमेंशन नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर, प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन। व्हाट आई एम टेलिंग मिस्टर सैफ, प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन, माने प्योर नंबर का, शुद्ध नंबर का, शुद्ध संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑब्वियसली कोई डायमेंशन क्यों होगा, यूनिटी नहीं होगा, भैया मैं क्या। बट कुछ डायमेंशन ऐसे, कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे जिनका डायमेंशन है क्योंकि यूनिट है। जैसे यहाँ देखो, मैं निकालूंगा निकाल, समझा गया? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके, कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन, बोलो। फॉर एग्जाम्पल जी, के, एच। जी इज ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल के, कूलम्ब कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट। ओके, डोंट वरी, ओके, दिस विल स्टडी इन केमिस्ट्री। ओके, चैप्टर टू आने वाला, कमिंग सून। आई एम विदाउट डायमेंशन, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन। जैसे पाई, ई, फाइव, प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन, बात खत्म, वो विदाउट डायमेंशन है। ठीक है, क्या भेजा में क्या, भेजा में क्या। चलो आप कैसे निकल के, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसके लिए फॉर्मुला याद रखना पड़ेगा। 11th का नाइन्थ पर आ गया था, एफ इक्वल टू जी एम्बर इनटू आर वाई स्क्वायर। एफ हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जी हो गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम्बर मास, फर्स्ट मास, सेकंड मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस। बेंच पे हाथ रहो, एनर्जी में आ जाओ, तो एनर्जी में बेंच पे हाथ रहो, बेंच पे हाथ रहो। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ से हमको किसका यूनिट निकालना है, फोर्स का डायमेंशन तो पता ही है, फोर्स का डायमेंशन तो पता ही है, लेकिन मास का डायमेंशन पता है, आर का डिस्टेंस का भी पता है, लेकिन जी का डायमेंशन पता। यहाँ से जी को अकेला कर लो, दो एक चीज समझो, जब भी ऐसा कॉन्स्टेंट जो जिसमें यूनिट आता है, डायमेंशन भी होगा उसका, तो उसका तुम यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो देखो एफ, जी को अकेला कर लो, जी को कैसे अकेला करो, करोगे यहाँ से एफ आर स्क्वायर, अरे देखो यहाँ से एफ आर स्क्वायर, और एम वन एम टू नीचे जाएगा बट्टा में, जी अकेला हो जाएगा। क्या भैया में क्या, अरे ये आर स्क्वायर एफ और ये एम वन एम टू बट्टा में, कोई दिक्कत। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन पता है, न्यूटन, बोलो फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का यूनिट बताओ, यूनिट मीटर स्क्वायर, और मास का क्या होता है, केजी, 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 केजी क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट भी पता चल गया और डायमेंशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का होता है एल, तो एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर दे देंगे स्क्वायर इसलिए, और मास का के एम होता है, तो एम 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 स्क्वायर, एगो एम से एगो एम, खलास काटो या पावर घटाओ। क्या भैया में गया, अरे फोर्स का डायमेंशन तो याद होना चाहिए, एमएलटी माइनस टू, एमएलटी माइनस टू, मैंने बोला फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, एमएलटी माइनस टू, एमएलटी माइनस टू, कई बार बोला हूं, एनर्जी का एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का एमएल स्क्वायर, ये तो दूसरों याद ही होना चाहिए, दो तो बहुत यूजफुल है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एमएलटी माइनस टू और एनर्जी का एमएल स्क्वायर टी माइनस टू, कई बार इस्तेमाल हो चुका है। तो एमएम कैंसिल या पावर से पावर घटा देना, काट के नहीं दिखाते वैसे, पावर से पावर घटा दे वैसे। चलो एम, अब बताओ पहले एम लिखते हैं, तो एक एम बच गया, एम ऊपर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन, और एल एल के ना एल टू है एल वन, एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यू एल क्यूब, टी का पावर माइनस टू हो गया, ये डायमेंशन हो गया, ये जी का डायमेंशन हो गया, ये जी का यूनिट हो गया, यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हो, डायमेंशन से चलो। अब बात कर लेते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका डायमेंशन होता है कांस्टेंट विद डायमेंशन। ओके, एफ इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 आर स्क्वायर, फोर्स है ये, के कूलम्ब कांस्टेंट है, क्यू1 चार्ज है, क्यू2 चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, चार्ज का डायमेंशन तो समझना, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बराबर फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, आज से 200 साल पहले, आई बराबर क्यू आई टी, मुझे आई का इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन पता होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए एम्पियर, एम्पियर, और टी का टाइम। ओके, तो चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी, क्या होता है ए टी, इसको याद रखना, टी ए टी ए, टा 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 टा, तोते तोते वही टोटे, टा 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 टा। ओके, क्या रखोगे, टा 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 टा, दूर हो गया टा टा, चलो ठीक है। सो के को अकेला करो, किसको, किसका यूनिट निकालना है बाबू, के का था फोर्स एफ आर स्क्वायर क्यू क्यू वन क्यू टू, एकदम सेम सिमिलर है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का स्क्वायर, आके इसका टा टा, क्या बोला मैंने, इसका भी टा, इसका भी टा, टा टा अरे टा टा, हाँ बाय बाय बोलेंगे, टी स्क्वायर एम को ऐसे दो, टी स्क्वायर ए स्क्वायर, एल एल को एल एल क्या जगह, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब, और टी दो, टी स्क्वायर नीचे, टी स्क्वायर नीचे से बोल जाएगा, टी माइनस टू, माइनस टू माइनस टू कितना जाएगा, माइनस फोर,
और ये ए स्क्वायर बचा ए स्क्वायर ऊपर लेके माइनस 2, ये तुम्हारा कूलम कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फिर से ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ई इक्वल टू होता है एच न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हाँ, ये प्लैंक थ्योरी पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में, डोंट वरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ई इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू एच न्यू, तो ई इक्वल टू एच न्यू फिजिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से मुझे एच जो है ना, एच को कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, क्या नाम है उसका, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, प्लैंक कांस्टेंट। अब न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बता था कल, फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, टाइम का, तो फ्रीक्वेंसी को 1/T लिख दो, कोई दिक्कत, 1/T लिखा हमको, यहाँ से एच को क्या लग रहा है, एच को क्या, ई टी हो गया। अब एनर्जी का टाइम फॉर्मूला जानते ही हो, ML²T - 2, और टाइम का टी, यहाँ से टी में से एक पावर एक एक है, ये एक में माइनस 2 में से एक घटा दो, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, तो नीचे वाला ये डिजाइन करके उतार लो यहाँ पे, उसके बाद ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशंस में, क्या चीज में, हाँ ओके। अब एक बात खाली याद ना कि जिस हर जिसकी यूनिट है उसका डायमेंशन है, देखिए जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट हो भी सकता है, और वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो टैलेंटेड, ओके दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, वेट वेट वेट, या डेट अच्छा लगता है ना, या गुड।